डगरिया जो हत ना हो, डगरिया जो हत ना हो, डगरिया जो हत ना, डगरिया जो हत ना हो, डगरिया जो हत ना हो, डगरिया जो हत ना, बीतत आठ बा आठ बात पहरिया हो, डगरिया जो हत ना, निसा खाक पिया मोरा निसा खाके, अधिहलन कपड़ा फोड़ी पड़ल बानी निसा हिलके। हमरा हमरा के बोले के आवेला बहुत अच्छा से ना आवेला, कहे कि कोई भी बोली बोले में प्रैक्टिस चाहिए, घर में का माहौल बाजे टिल दैट कम्युनिकेशन लेवल आई कैन स्पीक। नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज के लिए मैं निविड़ शिवपुत्र। दोस्तों, आज एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ जिनके लिए बॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल, सिंगिंग स्टार, गले में गजब की गिटकरी और उनके गायन का जादू सबके सिर पर चढ़कर बोलता रहा है। ये सारा परिचय छोटा पड़ जाता है जब आप उनसे रूबरू होते हैं और देखते हैं कि भोजपुरी भाषा के लिए उनका क्या समर्पण है, क्या डेडिकेशन है। तो आइए आपको मिलवाते हैं भोजपुरी की सबसे बड़ी रहनुमा मेरी नज़र में और हम सबकी नज़र में, कल्पना पोटवारी। कल्पना जी, नमस्ते। सबसे पहले तो यह जानना चाहता हूँ कि इन दिनों आप क्या गा रही हैं और क्या काम चल रहा है, क्योंकि आपके सारे प्रोजेक्ट्स बहुत एम्बिशियस हैं। भोजपुरी को लेकर के आप डेडिकेटेड रही हैं, भोजपुरी के लिए आपने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खूब मशक्कत की है, खूब मेहनत की है। तो आपका वो प्रोजेक्ट भिखारी ठाकुर को लेकर के जो आप ने काम किया है और काम कर रही थी, पिछले साल आपसे बातचीत हुई थी। जी, तो, जी, जी। तो आप बताएं। एक्चुअली एक साथ कई सारे प्रोजेक्ट एक साथ है, तो गंगा स्नान फिलहाल मैं काम कर रही हूँ। गंगा स्नान बहुत एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसलिए क्योंकि भिखारी ठाकुर जी के गंगा स्नान नामक नाटक से एक गंगा स्तुति है जो एक तरह की आत्मकथन है। मतलब आत्मकथन मतलब अपने अंदर अपने से बात भी कर रहे हैं और एक तरह गंगा जी से भी उस समर्पण भाव से आप स्वीकार कर रहे हैं, आपके क्या खामियां हैं, क्या है, सब कुछ जैसे आप उनको जाके बोल रहे हैं। तो गंगा जी के साथ बातचीत है वो, और इसकी जो म्यूजिकल स्ट्रक्चर है वो एक आई थिंक एक ट्रांसेट करेगा, क्योंकि जैज संगीतज्ञ लुई बैंक्स जो बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट है मुंबई से, और जिनका हम लोगों ने बचपन से सुना है कि मिले सुर मिला तुम्हारा तो सुर बने हमारा जैसे, और बहुत सारे सरकारी उन्होंने बहुत सारे ये में एड्स में ये किया, और एड्स बोल के मैं उनको छोटे साबित नहीं करना चाहती हूँ, वो हमारे भारतवर्ष के एक फादर फिगर है। कल्पना जी, यहाँ पे मुझे याद हुआ है कि आप तो अंग्रेजी की विद्यार्थी रही हैं, इंग्लिश, कभी इंग्लिश सॉन्ग भी गाया है क्या आपने? हाँ, मैं अलग अलग बोलियों में भाषाओं में गाई हूँ, अब तक 31 भाषा में मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, लेकिन वो जैसे एक एहसास है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट, इंग्लिश इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। इंग्लिश से ज्यादा आज कल्पना की जरूरत भोजपुरी को है, कल्पना की जरूरत आज असम की जो ब्रजावली भाषा है जो संस्कृत जैसा ही एक आध्यात्मिक भाषा समझिए आप, और कल्पना की जरूरत वो जो सोनवाल, मौरान, मिसिंग, देवरी, बोरो, ये अलग अलग जो ट्राइबल हमारे समूह हैं, या फिर बिहार की अलग अलग बोलियां जो है अंगिका, मैथिली, बज्जिका, मैं समझती हूँ कि मेरी जरूरत यहाँ है। इन विभिन्न भाषाओं में आपने काम किया है, लेकिन भोजपुरी के लिए आपके दिल में कुछ खास जगह नजर आती है, जानना चाहते हैं कि क्योंकि मैंने भोजपुरी का नमक खाया है, क्योंकि भोजपुरी ने जब दरवाजा एक खुला बॉम्बे में जैसे 2002-3 में मैं मेरे सामने भोजपुरी भाषा के रूप में गीत आया, तो मैंने अपने आप को कभी नहीं रोका और गाते 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 बिहार तक पहुंचती हूँ कार्यक्रम के बहाने, अलग अलग संस्कार, नया संस्कार, नया कल्चर सब कुछ देखती हूँ जो मेरा कल्चर नहीं है। आज के देश में जो टॉलरेंस एंड इनटॉलरेंस की बात हो रही है, आप ध्यान से अगर कल्पना को देखेंगे बहुत कुछ समझने की जरूरत है। मैं इसमें मैं बोल के कुछ नहीं बोल रही हूँ, अपनी भाषा से तो हर कोई प्यार करता है,
अपनी माँ माँ से तो हर कोई चाहत रखते हैं। मैं मेरा जो असमिया संस्कृति असमिया भाषा है वो उस थोड़े समय के लिए दरकिनार करके अगर दूसरे की मेरे जो आस पड़ोस की भाषा है बोली है कल्चर है उनको अगर मैं सम्मान दे पा रही हूँ तब ना आप मुझे लगता है कि उस वहां पे टॉलरेंस और इनटॉलरेंस की बात आनी चाहिए। मैं जब बस आज अब इस्लाम की नबी जी को सलाम करके मैं गा रही हूँ और उसमें ये बड़ी बात नहीं है कि उस सलाम को कौन से कौम पसंद कर रहे हैं, वहां अगर मैं आपने हमारे चीज गाए हैं तो बहुत अच्छा, ये तो हर कोई बोलेगा, लेकिन यहाँ बात यह है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि मैं एक महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम संस्कृत भाषा में गाके और उसके तुरंत बाद अरबी भाषा में अगर मैं इस्लाम की गुणगान कर रही हूँ तो ये कल्पना क्या बोलना चाह रही है। एक दूसरे को रिस्पेक्ट कीजिए, एक दूसरे के कल्चर को प्यार करना सीखिए। आई थिंक कल्चरली आप जब गाती हैं, सबसे मजेदार बात यह है कि कल्पना जी जब गाती हैं भोजपुरी गानों को तो जो इनका तान होता है, जो गले में जो एक सोज और ओज दिखाई पड़ता है, उससे लगता है ठीक कि भोजपुरी भाषा की आत्मा में आपका प्रवेश हो चुका है। क्या भोजपुरी आप बोल भी लेती हैं? क्या भोजपुरी में बात करें? हमरा के बोले के आवेला बहुत अच्छा से ना आवेला, कहे कि कोई भी बोली बोले में प्रैक्टिस चाहिए, घर में का माहौल बा, जैसे हमरा हम घर में मैं मेरे हस्बैंड परवेश जी बस और बुआ जी जो जौन भी है जौन भी बाड़े सब लोग मतलब भोजपुरी में बात करे के संभव नहीं किया। जैसे हम अगर पटना में बस जाए और अगर रवे लोग से बात मुलाकात होत रही तब इन्फ्लुएंसी बरकरार रही और निखर जाए तो हमरा के बोले के तावेला, टिल दैट कम्युनिकेशन लेवल आई कैन स्पीक। उसके ज्यादा जैसे रोवालो व्याकरणिक और साहित्यिक जो बोली बोले ले आप रोवालो वो हमरा के बोले के। कोई ऐसा गीत भिखारी ठाकुर का जो कि आपको हमेशा प्रिय रहा हो जिसको गुनगुनाना चाहती हैं आप के दर्शकों के लिए, अगर आप सुर में कह सकें तो? उनके तो विदेशिया प्रमुख नाटक में से हैं और प्यारी देश तनी देखे दा हमके जो माइग्रेशन एलिमेंट है उन्होंने तभी कितना अच्छा से लिख दिया कि अभी भी ये जो क्षेत्र है बाहर जाने को मजबूर है जिसको आप लोग आपके भाषा में पलायन हम बोलते हैं और घर परिवार छोड़ के आप लोग अपने बच्चे को छोड़ के बाहर जाते हैं। ये और दो दो पक्ष होता है इसमें, परिवार भी कैसे मिस करता है अपना गाँव छूटता है, तो परदेश वाले एलिमेंट को बहुत गाई भोजपुरी में मैं। और भिखारी ठाकुर जी के अभी जैसे जटसारी फोक में ये है डगरिया जो हत ना हो, डगरिया जो हत ना हो, डगरिया जो हत ना, डगरिया जो हत ना हो, डगरिया जो हत ना हो, डगरिया जो हत ना, बीतत आठ बा आठ बात पहरिया हो, डगरिया जो हतना, ए हो धोती पौना धरिया धाई के, कान्हावा पर चदरिया हो, बाबरिया झारी के ना, होई बकावा ना सहरिया हो, बाबरिया झारी के ना, होई बकावा ना सहरिया हो, बाबरिया झारी के ना। ये गीत अच्छा है। फिर उन्होंने पूर्वी में एक उन्होंने जैसे कलयुग प्रेम, कलयुग प्रेम मतलब शराब, अब तो शराब बंदी है बिहार में, लेकिन शराब से किस तरह से घर परिवार में झगड़े फसाद, उन्होंने बहुत अच्छा से एक गीत पे ये लिखा था, निशा खा के पिया मोरा निशा खा के, अधिहलन का परा फोरी पड़ल बानी निशा हिल के, पालवा होलाल से पारल बानी निसाइल के, पालवा होलाल। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।